हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे बात करें एक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के बारे में, तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एडवर्टाइजिंग के जरिए की थी। उन्होंने वर्ष 1999 में एक पटकथा लेखक के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। पटकथा लेखक के रूप में उनकी पहली फिल्म 1999 में वेनु थोट्टमा पुड्डी और लाया स्टारर स्वयंवरम थी। इसके तुरंत बाद त्रिविक्रम ने चीरू, नवोतो युद्ध और अन्य जैसी फिल्मों के साथ पटकथा लिखी। नुवे नुवे को 2002 में रिलीज किया गया। उन्होंने आखिरी बार आला बैकुंठपुर मूलू को स्टैलिस्टा अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े और तब्बू द्वारा अभिनित किया था। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित एक्शन और रोमांटिक ड्रामा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अब फिल्म इंडस्ट्री के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रभास ने त्रिविक्रम श्रीनिवास को एक प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट आ रही है कि निर्माता एक राधा कृष्ण अपनी अगली प्रोजेक्ट के लिए त्रिविक्रम श्रीनिवास को ले रहे हैं, जिसमें बाहुबली और साहोफेम प्रभास मुख्य भूमिका निभाएंगे। इसे हारिका और हसीन क्रिएशन के बैनर तले नियंत्रित किया जाएगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।